गंगा घाट से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रहे एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। तेजधार हथियार से चेहरे पर किया वार। परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक की उपचार के बाद परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में कराया भर्ती। घटनास्थल पर पहुंची सदर एसडीपीओ सहित कई थाना के थानाध्यक्ष। सफियासराया ओपी क्षेत्र के पूर्वी टोला फर्ड निवासी चक्रधर यादव के पुत्र मनु कुमार को अपराधियों ने दो गोली मारी, जिसमें एक गोली सर के पिछले हिस्से में लगी, जिसके बाद फरसा से चेहरा पर वार दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो। इस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले गए। बताया जाता है घायल युवक मनु कुमार छठ पर्व में घर आया था और पहली अर्घ्य देने के लिए गांव के गंगा घाट गया था और देर शाम छठ का अर्घ्य देकर लौट रहा था। तभी तभी घात लगाए अपराधियों ने राधा कृष्ण मंदिर के समीप घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ राजेश कुमार सहित कई थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही युवक शिवम कुमार उर्फ चुहवा ने गोली मारी है। उन्होंने कहा कि परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल घायल युवक मनु कुमार ने आरोपी युवक शिवम कुमार की बहन को 2 साल पहले प्रेम प्रसंग के मामले में लेकर भाग गया था। कुछ महीने बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया था, जिसके बाद पंचायत होने के बाद मामला रफा दफा हो गया था। वहीं 6 माह पूर्व घायल युवक के खेत में आरोपी युवक का घोड़ा घुस गया था, जिसके कारण फसल काफी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर घायल युवक के परिजनों ने आरोपी के घर जाकर कहा था, जिसके बाद आरोपी ने घायल युवक के घर पर गोली चलाई। इस मामले को लेकर घायल के परिजनों शिवम उर्फ चूहवा के खिलाफ सफियासराया थाना में मामले दर्ज किया था। हम लोग को सूचना मिली थी कि नया रामनगर सफियासराय थाना ओपी के अंतर्गत पर्दा गांव है। पर्दा गांव में गंगा घाट पुरवारी टोला गंगा घाट पे जब लोग छठ करके वापस आ रहे थे तो अराउंड 5:45 या 5:30 के करीब गोली मारी गई है, जिसमें कि मन्ना नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है। उससे पहले बट से मारा गया है, उसके बाद उसके सर पे गोली लगी है। उसे सदर अस्पताल में रिफ़र किया गया था और वहाँ पे प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए भेजा गया है। मौके वारदात में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें एक व्यक्ति लड़के का नाम आ रहा है और जो पुरानी कोई रंजिश है, पुरानी कुछ विवाद है, जिसके कारण यह घटना कारित की गई है। पुलिस सघन छापेमारी कर रही है और बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभियुक्त हैं उन्हें पकड़े। अभी तक परिवार वालों ने आवेदन नहीं दिया है, आवेदन मिलने पे सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज की जाएगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। गोली मारने वाले अभी प्रिलिमिनरी जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम लोग उनका मतलब अपना जो टेक्निकल एविडेंसेस पे काम कर रहे हैं पकड़ने और जो प्राथमिकी जो आएगी एप्लीकेशन आएगी उसके बाद नाम डिस्क्लोज करना श्रेष्ठ होगा। घटना हाँ गोली लगा हुआ है। कैसे कहाँ पे गोली मारा? ये गंगा घाट के अड़क देने के लिए गया था। हाँ। अच्छा, तब उसी दौरान कौन मारा? शिवम से हुआ। कहाँ है इस तरह का है? पुराना दुश्मनी के कारण। अच्छा, और कोई उसके साथ था क्या? और उसके साथ सब साथी दलबल के साथ था परिवार। अच्छा, कितने की संख्या में था वो लोग? 10 से 12 की संख्या में था। अच्छा, किस चीज़ से इनको मारा है? ये गोली या तलवार था। अच्छा, क्या गोली लगा है इसको? 2 गोली। और चेहरे पर भी वार किया गया है? चेहरे पर किस हुआ है। अच्छा, आप उनके कौन हैं? बड़े भाई। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार।